काफी सिंपल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पे बने रहे, लाइक कमेंट शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये हमारा शॉर्ट बॉल का ऊपर है। कह होंगे कि जब ये जलता है उसके ऊपर जब कोई पानी छिड़ देता है तो ये फट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसका सच्चाई आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहे। तो फ्रेंड्स, हमारा जो शॉर्ट का बॉल है इसका यूज ज़्यादातर कम हो रहा है। ऐसा क्यों? कि इसका जो बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और हमारा जो एलईडी का बिजली का बिल कम आ रहा है, तो इसलिए लोग इसको यूज करते हैं एलईडी को। तो फ्रेंड्स, हम जब ये एलईडी का ढक्कन को ऊपर से निकाल देते हैं और उसको होल्डर में कनेक्ट कर देते हैं तो ये जलता है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जो 100 वाट का बल्ब होता है इसका जो कांच है पूरी तरह से तोड़ देंगे, उसके बाद इसको होल्डर में कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे ये जलता है या नहीं जलता है। तो एलईडी बल्ब तो जलता है जब उसका जो ढक्कन को निकाल देते हैं, उसके बाद भी एलईडी बल्ब जलता है। तो आज हम इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये जलता है नहीं जलता है, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कि जो 100 वाट बल्ब होता है ये जब जलता है इसके ऊपर हम जब पानी डाल देते हैं तो ये फट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जब जलता है ये गर्म हो जाता है, तो गर्म होकर जो इसका ऊपर जो शीशा है ये शीशा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो हम लोग जब इसके ऊपर सडनली पानी डाल देते हैं तो ये सडनली छोटा नहीं हो पाता है, तो इसलिए ये फट जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस बल्ब को जलाएंगे, इसी होल्डर के माध्यम से इसको कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जलता है, इसका जो ऊपर जो शीशा है उसको हम तोड़ देंगे, उसके बाद इसको जलाएंगे, फिर देखेंगे ये जल पाता है नहीं जल पाता है। फ्रेंड्स, चलिए इसका ऊपर जो शीशा है इसको सावधानी से ब्रेक करते हैं ताकि ये जो अंदर का जो फिलामेंट है वो नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम इसको सावधानी से इस शीशे को हटाएंगे। फ्रेंड्स, इसको कभी ट्राई मत कीजिए क्योंकि ये रिस्की है और कांच का टुकड़ा हाथ पे भी लग सकती है। हम लोग देखेंगे ये बल्ब रिपेयर हो सकता है या नहीं। हमने बड़ी सावधानी से इसको निकाल दिए हैं और हमारा फिलामेंट भी सही सलामत है। अभी इसको जलाएंगे और देखेंगे क्या होता है। तो स्विच ऑन करो। फ्रेंड्स, फिलामेंट्स को हम दोबारा जोड़ दिए हैं, अभी जलाएंगे और ये फट गया, जुड़ने से भी नहीं टिकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका हालात कैसे हो गया है, थोड़ा जूम करके दिखाओ। जब ये शीशा का अंदर था तो ये जलता था, तो जब हम लोग शीशा को हटा दिया, करंट में लगाया तो ये जल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? तो फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ कि इसका ऊपर जब कांच लगा था तो इसके अंदर से दो गैस था, जो कि आर्गन 93% था और नाइट्रोजन 7% था, तो इसलिए ये जलता था अंदर में। जब इसको इसका ऊपर का शीशा को तोड़ दिया तो इसका जो अंदर के जो गैस था वो निकल गया, तो इसलिए वो जल गया पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम लोग यही सीखेंगे और जो एलईडी बल्ब होता है ये रिपेयर हो सकता है, और हमारा जो 100 वाट का बल्ब है ये रिपेयर नहीं हो सकता है, मतलब वन टाइम यूज है, और इसको बार बार हम लोग ठीक करके चलाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।